गरीब पांच बहनों की जादुई स्कूटी। ये कहानी है गरीब गोधन की, जिसकी पांच बेटियां थी, प्रेरणा, पिंकी, हेमा, संध्या और बबीता। बबीता सभी बहनों में सबसे बड़ी थी। गोधन के मन में रात दिन पांचों बेटियों की शादी की दुविधा उभरी रहती। सांझ ढल चुकी थी और गोधन अपने घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो खुद में बड़बड़ा रहा था। सृष्टि के मालिक, तू तो जानता है कि गरीबी में दिन काटना कितना दुखदाई है। तेरी नजरें तो हर दिन मुझे देखती हैं। जब से मैं पांच बेटियों का बाप बना हूँ, चाहे सर्दी हो या बरसात, मेरे कदम कभी घर में नहीं थमे। बावजूद इसके मैं जो भी कमाता हूँ वो घर खर्च में ही उड़ जाते हैं। इसी बीच बरसों बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी पांचों बेटियों ने मेरा कंधा चू लिया। अब तुझे ही इस गरीब बाप की पांचों बेटियों का बेड़ा पार करना है। गोधन खुद से बतियाता हुआ घर पहुंच जाता है, जहां उसकी पांचों बेटियां स्कूटी के विषय पर एक दूसरे से झगड़ रही थीं। भला होता कि तुम चारों इस दुनिया में आती ही नहीं, तो पिताजी के कंधों पर सिर्फ मेरी परवरिश का जिम्मा होता तो हमारे पास एक बड़ी जमा पूंजी होती। तब मुझे पैदल कॉलेज नहीं भागना पड़ता, बल्कि मैं एक सुंदर सी स्कूटी पर बैठकर शान से कॉलेज जाती। अरे बबीता दीदी, ज्यादा नखरानी मत बनो। हमें भी स्कूटी की सवारी करने का कोई शौक नहीं। मैंने तो ठान लिया है इस जन्मदिन पर अपने लिए स्कूटी मांगूंगी। वाह जी वाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटी मियाँ सुभान अल्लाह। जब तुम दोनों को स्कूटी मिलेगी तो मैं क्यों पीछे रहूंगी। मैं भी पिताजी से कह दूंगी कि मुझे भी स्कूटी चाहिए, और अगर इस बार उन्होंने गरीबी के गाथा गाई तो मैं स्कूटी के लिए सट्टा लगाऊंगी। ऐसा सुनकर गोधन गुस्से में झुंझला कर बोलता है, तो क्या स्कूटी की सवारी के लिए मेरी बेटी सट्टेबाजी करेगी। मैं यहाँ अपनी भूख मार कर दिन भर धधकती आग की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब जाकर दिन भर की दिहाड़ी मिलती है। अरे अपने बाप के बलिदानों का मान रखो और पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाओ। प्लीज पिताजी, हर बार ये पढ़ाई का पाठ पढ़ाकर हमारे कान पक चुके हैं, और एक आपकी ये गरीबी की गाथा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम पांचों बहनों को स्कूटी चाहिए तो बस चाहिए अब। इस तरह पांचों बहनें उखड़े हुए भाषा में अपने पिता को झड़प पड़ती हैं, जिसके बाद गोधन दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कुछ जमा पूंजी जोड़ बटोर कर अपने दोस्त असलम के पास आता है। अरे गोधन, तो क्या बात है मेरे यार, तू परेशान क्यों है, चल बता कैसे आना हुआ। गोधन असलम को अपनी पांचों बेटियों को लेकर स्कूटी का वाकया बताता है। मेरे दोस्त एक सस्ती स्कूटी गैराज में है, तू देख ले, कल ही एक सेठ बेच कर गया है। लाइसेंस से लेकर स्कूटी की स्पीड एकदम पक्की है। गोधन असलम से स्कूटी खरीद कर स्कूटी लेकर घर चला आता है। पांचों बहनें स्कूटी देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी पिंकी बोलती है, अरे वाह पिताजी, आप तो सचमुच हमारे लिए स्कूटी ले आए, एक टेस्ट ड्राइव तो बनती है। पिंकी झट से स्कूटी शुरू करके जैसे ही कुछ कदम स्कूटी चलाकर वापस आती है तो गुस्से में कुड़कुड़ाती हुई कहती है, पता नहीं पिताजी किस कबाड़ खाने से उठा लाए हैं ये खड़खड़ स्कूटी, इसकी खटर पटर की आवाज से खानों से खून आ रहा है, मुझे नहीं करनी इस स्कूटी की सवारी। इतना बोलकर पांचों बहनें घर में चली जाती हैं, और गोधन रात भर ठंड में ठिठुरते हुए चौकट पर पड़ा रोता पीटता रहा। और गोधन का कमजोर शरीर ठंड का कहर झेल ना सका और वह मौत का कौर हो गया। दिन बीतते गए, जिसके साथ बड़ी बदहाली ने पांचों बहनों को घेर लिया। बबीता दीदी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। क्या बनाओ प्रेरणा, अन्न का एक दाना भी नहीं है। काश हम पांचों पिताजी पर स्कूटी खरीदने को नहीं थोपते तो आज पिताजी हम बहनों के बीच में जिंदा होते। बबीता दीदी, क्यों ना हम इस स्कूटी को बेच दें, इससे घर के खाली खत्ते तो भर जाएंगे। हाँ चलो। जैसे ही पांचों बहनें स्कूटी को बाहर निकालने के लिए धकेलती हैं, तभी स्कूटी के आगे के हिस्से पर आग नाक मुंह बन जाता है। हम पांचे बहनें जी लगाकर स्कूटी को खींच रही हैं, बावजूद इसके ये स्कूटी टस से मस नहीं हो रही। रुक जाओ, मुझे सौदागरों के हाथों मत बेचो, बदले में मैं तुम गरीब बहनों की हर अभिलाषा पूरी करूंगा। जादू स्कूटी को बोलता हुआ देखकर पांचों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और बबीता बोलती है, ये कैसी जादूगरी है जो ये स्कूटी बोल रही है। अगले ही क्षण उस पुरानी स्कूटी का पुर्जा चमचमाते सोने के सांचे में बदल जाता है, और मेह के जैसे अपने अंदर से सोने के सिक्के बरसाने लगता है, क्योंकि सिक्कों की खनक से पांचों बहनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे वाह जादू स्कूटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया,
हाँ जादुई स्कूटी, तुम्हारे आगे तो सुनार भी फीका पड़ गया, इतना सोना तो उसके पास भी नहीं होता। मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद करूँगा, बस एक निवेदन है तुम बहनों से, मुझ जादुई स्कूटी को बेचना मत, वरना भंगार वाला मेरे पुर्जे तोड़ देगा। ठीक है, आज से तुम हम बहनों के साथ रहोगे। जादुई स्कूटी से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर पांचों बहनें राशन लाती हैं, जिससे बबीता और संध्या भी सभी के लिए खाना पकाती हैं। इतने बड़े वक्त बाद हम पांचों बहनों को आधा पेट रूखा सूखा नहीं बल्कि भरी पूरी से भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है, जिसका श्रेय इस जादुई स्कूटी को जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पांच बहनें हर दिन उस जादुई स्कूटी को बड़े ही जतन से साफ करती, मगर तेजा नाम का एक चोर स्कूटी पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। उस रात मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली ठंड थी। सभी के घर आंगन में आसमान से गिरे बर्फ की सफेद बूंदे सीप के मोती के जैसे बिखर रही थी। मौके का फायदा उठाकर तेजा स्कूटी के पास आया। क्या बात है तेजा, आज तो तेरी किस्मत बड़ी ही बलवान है, क्योंकि इन बैल बुद्धि बहनों ने चाबी स्कूटी में ही छोड़ दी है। अब जल्दी से स्कूटी लेकर फरार हो जा, इससे कुछ दिनों की बाटली का बंदोबस्त हो जाएगा। चोर हड़बड़ाहट के साथ जादू स्कूटी को स्टार्ट कर लेता है। तभी पांचों बहनें बड़े झुंझलाहट के साथ जागकर बाहर भागती हैं। ये तो हमारी जादू स्कूटी की आवाज है, लगता है ना। जैसे ही पांच बहनें बाहर आती हैं, तो चोर जादू स्कूटी को लेकर कुछ दूर निकलता दिखाई देता है। अब क्या होगा, वो चोर तो हमारी जादुई स्कूटी को हमारे नाक के नीचे से ले गया। अगले ही पलचिन उन पांचों बहनों के कानों में जादुई स्कूटी की कर्कश आवाज सुनाई देती है। तभी जादुई स्कूटी के सामने आकर वो खड़ी हो जाती है। स्कूटी पर सवार तेजा के कानों से खून निकल रहा होता है। अरे मुझे माफ कर दो, ये स्कूटी तो यमदूत का दूसरा रूप है, अपनी अमानत संभालो और मुझे जाने दो। लालच के ललक में तुमने हमारी स्कूटी चुराया, ये उसका ही फल है। अरे ये बहने होठ क्यों हिला रही है, कुछ बोलती क्यों नहीं। तेजा का भेजा फ्राई हो रहा है, गलती करने में ही भलाई है। लगता है इस चोर के कानपुर में हड़ताल हो गई है, जो इसे हमारी बात सुनाई नहीं दे रही। अब ये तुम बहनों की धुनी नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरी तीखी हॉर्न की आवाज से ये बहरा हो गया है। जादू स्कूटी, हमें तुमसे और सिक्के चाहिए, क्योंकि हमारे इस कच्चे फूस के घर का कोई भरोसा नहीं जो ये कब ढह जाए, और तुम भी खुले में सुरक्षित नहीं। अचानक जादू स्कूटी में से बड़ा प्रकाश उठता है, जिसके साथ जादू स्कूटी खरे सोने में तब्दील होकर अपने अंदर से चमचमाते सुनहरे सिक्कों की बौछार कर देती है। शुक्रिया जादू स्कूटी, इससे हमें कालीशान घर और पूरे तौर तरीके से पक्का पुख्ता पार्किंग बनवाएंगी, जहाँ चोरों के हाथ तुम्हें चुराने के लिए पहुँच ही नहीं पाएंगे। और जब तक इस घर की नींव खड़ी नहीं हो जाती, हम पांचों बहनें पहरुआ बनकर तुम्हारी पहरेदारी करेंगी। शुक्रिया, अपने प्रति मुझे तुम पांचों बहनों का मेल मिलाप भरा रुझान बेहद पसंद आया, मैं अंत तक तुम बहनों के साथ बना रहूंगा। अगले ही दिन से पांच बहनों के लिए बड़े घर का निर्माण शुरू हो जाता है। खास तौर पर जादू स्कूटी के रखरखाव के लिए पक्का पार्किंग बनता है, जिसके बाद कल की पांच गरीब बहनें बहुतायत का जीवन जीने लगती हैं, मगर उनके मन में अपने पिता को खो देने की ललक कभी नहीं मिटती। एक गांव में सरवन नाम का आदमी रहता था। उसकी तीन बेटियां थी, जिसमें से एक अपाहिज, दूसरी अंधी और तीसरी काली थी, जिसके चलते सरवन को उनके लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। सरवन शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी आप आ गए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। शिल्पा की बात मानकर सरवन हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी, घर में जो भी बचा कुचा था वो हम तीनों बहनों ने मिलकर बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ पिताजी, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था, वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर सरवन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे चिंता मत करो मेरी बेटियों, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगा। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को जब सभी सो जाते हैं, तो सरवन अपने मन ही मन सोचता है, मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी,
शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता, इतना सब कुछ मैं कैसे करूँगा। एक तरफ सरवन मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता तो दूसरी तरफ वो अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगता, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर कई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन सरवन के पास पंडित आता है और कहता है, अरे सरवन भैया कैसे हो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है? तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना, और आप तो जानते ही हो आपकी लंगड़ी काली और अंधी बेटी से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अगर इनकी शादी करवानी है तो 5 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही सरवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 तोला सोना, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और तुम 5 तोले सोने की बात कर रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो अपनी अपाहिज अंधी और काली कलूटी बेटियों को अपने घर में ही बिठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सरवन बहुत उदास हो जाता है और सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुँच जाता है। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकता, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा सोचकर सरवन अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी बूढ़े सरवन को अपने दोनों हाथ में उठाए देवी माँ नदी से बाहर निकलती है और सरवन को जमीन पर उतार कर उससे कहती है, अरे कितने मूर्ख इंसान हो तुम, इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रहे हो। देवी माँ की बातें सुनकर सरवन रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में देवी माँ को बताता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा 3 जादुई लहंगे प्रकट करती है। ये कोई मामूली लहंगे नहीं बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी तीनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरवन उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उन तीनों जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को दे देता है। अरे बेटियों लो जल्दी से अपने ये शादी के लहंगे पहन लो। लेकिन पिताजी हम अपनी शादी का लहंगा शादी से पहले क्यों पहने? अरे ये तो तुम्हें लहंगा पहनने के बाद पता चल जाएगा। सरवन की बात मानकर उनकी तीनों बेटियां उसके लाए हुए जादुई लहंगे पहन लेती हैं। जैसे ही शिल्पा लहंगा पहनती है उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा लहंगा पहनती है उसका काला रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ममता जादुई लहंगा पहनती है उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पिताजी इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। पिताजी जरा मुझे देखो तो सही, मैं तो बहुत काली थी लेकिन अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ, ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, पिताजी मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारे सरवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहता, अरे बेटियों ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं। सरवन के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। पिताजी जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ पिताजी मेरे लहंगे के अंदर से हीरे निकल रहे हैं और पिताजी मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे नोट निकल रहे हैं, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरवन अपनी तीनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन देवी माँ ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे दिए। पिताजी भला हो उन देवी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो, वैसे ही हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। हाँ पिताजी आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो?
पिताजी हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरवन की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा। तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है, तुम्हारी अंधी बेटी को सब दिखाई दे रहा है, ऊपर से तुम्हारी ये काली बेटी की तो काया ही बदल गई है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तीनों बेटियां अप्सरा लग रही हैं। अप्सरा? वैसे मैं तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ, और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते सरवन को अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं, और वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करता है तो वो अपनी बेटियों से कहता है, अरे बेटियों, देवी माँ ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे, तुम शादी भी इन्ही लहंगों में करना, और शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना, ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन पिताजी, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है, हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटियों, ये तुम्हारे लिए ही है, अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूँगा। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर सरवन अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अब सरवन भी एक खेत खरीद लेता है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। प्लेटफॉर्म पर कांजीवड़ा नाम की ट्रेन रुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़ कर कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। राखी, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो गुंडे हमें पकड़ लेंगे। ऊपर वाले हमारी रक्षा कर, हमें इन गुंडों से बचा ले आज। रफ्तार और राखी दोनों ही भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है और गुंडे पीछे रह जाते हैं। आखिरकार हम दोनों आजाद हो ही गए, अब कल हम दोनों शादी करेंगे और एक साथ खुशी से रहेंगे। राखी एक बहुत अमीर घराने की लड़की थी और उसने रफ्तार से भागकर लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद रफ्तार राखी के साथ एक छोटे से गांव में खुशी खुशी रहने लगा था। देखते ही देखते उनकी शादी को पूरे एक साल हो जाता है और राखी दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अरे राखी, जरा देखो हमारे जुड़वा बेटे कितने सुंदर है। हाँ हाँ, बिल्कुल आपके ऊपर गए हैं। राखी और रफ्तार दोनों अपने जुड़वा बेटा की बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनके जुड़वा बेटे बड़े हो जाते हैं और नौकरी करना शुरू कर देते हैं। एक का नाम अरविंद था और दूसरे का नाम अतुल था। बड़े होने के बाद उन दोनों को ही अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से प्यार हो गया था। अतुल एक अमीर घर की लड़की से प्यार करने लगा था, वहीं अरविंद एक गरीब घर की लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं तुमसे बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुशी रखूंगा। मुझे आपके प्यार पर पूरा भरोसा है, आप मुझे हमेशा खुश रखोगे। आज ही मैं अपने माता पिता से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा। एक तरफ अरविंद अपने सच्चे प्यार का इजहार कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ अतुल अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने मन ही मन सोचता है, पायल बहुत अमीर घर से है और इसके पापा का बिजनेस भी बहुत बड़ा है, एक बार मेरी इससे शादी हो जाए उसके बाद तो मैं पैसों से खेलूंगा। दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से बहुत अलग थे और उसी शाम वह दोनों जुड़वा भाई अपने माता पिता से कहते हैं, माँ पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। माँ, मुझे एक लड़की से बहुत प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं भी एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप हमारी शादी के लिए तैयार हैं? अरे भला, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तुम्हारी माता पिता ने खुद लव मैरिज की तो हम तुम्हारी लव मैरिज के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? राखी और रफ्तार दोनों ही कुछ ही दिनों में अतुल और अरविंद की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद दोनों भाई अपने घर पर अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके ले आते हैं। लेकिन एक की पत्नी अमीर होती है तो दूसरे की पत्नी बहुत गरीब होती है, जो अपने घर से केवल एक जोड़ी कपड़े में ही आती है। जैसे ही पायल अर्चना को देखती है, वह उसे देखकर कहती है, हो हो, अरे अरविंद जी, आपको इस गरीब लड़की के अलावा और कोई नहीं मिली?
अरे भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए तो मेरा सब कुछ अर्चना ही है। पायल मुंह चढ़ाकर अतुल के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अरविंद भी अपनी पत्नी अर्चना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। एक तरफ अरविंद और अर्चना एक दूसरे के साथ खुशी से बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ पायल अपने पति अतुल के साथ कमरे में बैठकर शराब पीने लगती है। हमारी शादी के सेलिब्रेशन में हमें थोड़ी सी शराब पीना तो बनता ही है। पायल अतुल के साथ शराब पीती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। अतुल भी शराब के नशे में आराम से सो जाता है, लेकिन पायल नशे की हालत में रसोई में पहुंच जाती है। ओहो, इनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। रसोई से आवाज आते ही राखी की नींद खुल जाती है और वह रसोई में पहुंच जाती है और पायल की हालत देखकर उससे कहती है, अरे बहू ये तुम्हारी हालत को क्या हो गया है, क्या तुमने शराब पी रखी है? हाँ हाँ आपको भी पीनी है क्या? तभी वहां पर अर्चना भी पहुंच जाती है और पायल की हालत देखकर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है। दूर दूर रहो तुम मुझसे, तुम जैसे गरीब लोग मेरे आसपास भी दिखाई नहीं देने चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पायल इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अर्चना उसे किसी तरह कंधे का सहारा लगाकर उसे उसके कमरे तक ले जाती है। ये भगवान ये सब मैं क्या देख रही हूँ, ये तो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की है। देखिए माँ जी, पायल जैसी भी है अब वह इस घर का हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी हमारा फर्ज है। अरे बहू तू कितनी समझदार है, मेरे बेटे अरविंद ने तुझसे शादी बहुत सोच समझ कर की है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। राखी और अर्चना दोनों अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है अर्चना रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन तभी पायल एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। हे भगवान बहू ये तूने क्या पहना है, अरे आधे कपड़े कहाँ गायब है तेरे? अरे माँ जी ये तो आजकल का फैशन है, आपको कुछ नहीं पता और आपकी इस गरीब बहू को तो वैसे भी कुछ नहीं पता होगा। कोई बात नहीं माँ, ये सब तो चलता रहता है। राखी बेचारी कुछ नहीं कह पाती, वहीं पायल अर्चना को उसके कपड़ों पर बहुत सारी बातें सुना देती है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अर्चना पायल से कुछ नहीं कहती। आप लोग करो यहाँ नाश्ता, मैं अपने हनी के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करूंगी। चलो हनी हमें देर हो रही है। पायल अतुल के साथ रेस्टोरेंट चली जाती है। जो अमीरों वाली जिंदगी अतुल को चाहिए थी आखिर उसे मिल ही जाती है। पायल अपने दोस्तों से अतुल को मिलवाती है, जिसके चलते अतुल की अमीरों में बातचीत बननी शुरू हो जाती है। तो बताओ हनी आज तुम्हें हमारी पार्टी में कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सपनों को पूरा होते देख रहा हूँ। अतुल और पायल दोनों फिर से खूब सारी शराब पीते हैं, जिसके बाद आधी रात के समय वह वापस घर लौटते हैं। ऐसे ही रोजाना उनका इसी तरह चलने लगता है। आधी आधी रात को वह खूब शराब के नशे में घर को लौटा करते, जिसके चलते अर्चना रात को पायल को उसके कमरे तक छोड़ कर आती और उसका ध्यान रखती। एक दिन राखी अर्चना से कहती है, अरे बहू पायल तेरा इतना अपमान करती है लेकिन उसके बाद भी तू उसकी मदद करती है, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो इंसान जैसा है उसे उसकी हालत पर ही छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं माँ जी, आज पायल दीदी मेरी बहन है, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तू उसे अपनी बहन समझती है लेकिन वह तुझे कुछ नहीं समझती। ऐसा कहकर राखी चली जाती है, जिसके बाद अर्चना घर के सभी काम निपटा लेती है और जैसे ही रात का समय होता है वह अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है। अतुल समय से घर पर आ जाता है और थक कर सो जाता है। आधी रात के समय अर्चना के फोन पर एक कॉल आता है। देखिए आप पायल के घर से बोल रहे हैं, पायल नशे की हालत में यहाँ क्लब के अंदर गिर गई है, आप उसे यहाँ से ले जाइए। अर्चना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वह उन लोगों से एड्रेस लेती है और क्लब पहुँच जाती है, जहाँ वह पायल को किसी तरह कंधे का सहारा देकर वापस घर ले आती है। घर आने के बाद पायल को कई बार उल्टियाँ होने लगती है। अर्चना पायल की बहुत मदद करती है, जिसे देख कर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें रोजाना इतना कुछ सुनाती रहती लेकिन तुम हो कि हमेशा मेरी मदद करती हो, तुम इतनी अच्छी कैसे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारी रक्षा करना ध्यान रखना मेरा फर्ज है और फिर मैं इस घर की बहू हूँ, सबका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये सुनते ही पायल को उसकी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद पायल अर्चना से सॉरी मांगती है। अर्चना
मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से पायल अपने पैसों का घमंड दिखाना बंद कर देती है और अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दौर में दुर्गापुर गांव में खुशियों के मेले लगते थे, मगर आज वही दुर्गापुर गांव बड़े दहशत से जूझ रहा है। हर इंसान के घर घनघोर रोग से घिरे हुए थे। कोई कोढ़ के मार को झेल रहा था तो कोई लकवे के रोग से प्रताड़ित था, तो कईयों के शरीर पर पड़े काले पीले चकतों के इर्द गिर्द कीटों का जमावड़ा लगा था, तो किसी की आंख छिन गई थी। वहीं दूर खड़ा 12 साल का गुलशन दंग आंखों से ये नजारा देख रहा था। हे माँ दुर्गा, ये हमारे खुशहाल गांव दुर्गापुर को किसकी नजर लग गई है? मेरा गांवगढ़ मेरे आंखों के सामने छटपटा रहे हैं और मैं इनकी मदद नहीं कर पा रहा। केदार काका, आपको क्या हो रहा है? दूर हट गुलशन, मुझे छू मत वरना मेरा कोट तुझे भी लग जाएगा। माँ, माला मौसी, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे देखने दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं गुलशन, हाथ मत लगा मुझे, वरना तेरा जीवन भी इस छुआछूत के रोग से भर जाएगा। जा गुलशन, चला जा इस गांव से। हालत गुलशन की हिम्मत को तोड़कर बिखेर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। वो नंगे पांव माँ दुर्गा की मंदिर की ओर भागता है, तभी कोड़ से घिरा केदार रोते हुए कहता है, हमने जो बीते दिन में बोया है इसीलिए हम लोग ये सब रोग भोग रहे हैं। गुलशन भागता हुआ औंधे मुंह माँ दुर्गा के चरणों में गिरकर कहता है, हे माँ दुर्गा, दया कर, ये दुर्गापुर की धरती रोग से भर गई है। डॉक्टर यहाँ डग धरने को तैयार है, तेरे ही दर की आस है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो बोया है उसकी कटनी तो भोगना ही पड़ेगा गुलशन। पुजारी की बात सुनकर गुलशन के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है और वो कहता है, पुजारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर पुजारी गुलशन को सब कुछ बताने लगता है। एक अंधा भिखारी जो कि कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त था दुर्गापुर गांव में दस्तक देता है। उसके चेहरे पर घाव के गहरे चकते और हाथों में टूटा फूटा बर्तन था। कुछ खाने को दे दो, मुझे अंधे कोढ़ी पर थोड़ा तरस खाओ। भीख की मांग करते हुए वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। तभी गांव वालों की गुस्सैल नजर उस पर घिर जाती है और केदार उसे लाठी से मार कर कहता है, अरे कोढ़ी, तेरी जरूरत कैसे हुई इस गांव में आने की? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे मत मारो, मैं कोढ़ी हूँ, देख नहीं सकता हूँ। लाठी की मार खाकर अंधा भिखारी डगमगाते कदमों से जैसे जाने को बढ़ता है, उसका हाथ माला के शरीर को छू देता है, जिसे देख गुस्से से तमतमाई माला बोलती है, मौत आए इस कोढ़ी को, हमारा ही गांव मिला था इसे डेरा डालने को। अरे केदार, देख क्या रहा है, ना जाने ये कोड़ी कितनी को अपना रोग बांटेगी। अरे मार डाल इसको, वैसे भी बिना आँखों के इस कोड़ी के साथ ये जीकर क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। माला की मंथराई के कारण वो भिखारी गांव गढ़ के हत्थे चढ़ गया, मगर उसके अंतिम शब्दों का श्राप ये सभी भोग रहे हैं। श्रापित होंगे वो जन जिनके हाथ मुझ अंधे कोढ़ी पर उठे हैं। तुम भी अंधेर और कोढ़ का जीवन काटोगे, ये मैं श्राप देता हूँ। बाबा, उस भिखारी का श्राप शुरू हो गया है, इसका कोई तोड़ तो होगा। पुजारी गुलशन को माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा दूध और जल देकर कहते हैं, गुलशन, यहाँ से 2 मील दूर पहाड़ों के भूगर्भ में एक झरना बहता है। जैसे ही उस झरने में तुम ये माँ दुर्गा का दूध और जल चढ़ाओगे, उस झरने से दूध की धाराएं बहने लगेंगी। उस दूध से ही इनके रोग दूर होंगे, मगर उस राह पर कदम कदम पर मौत बिछी होगी। पुजारी जी, जब तक माँ दुर्गा मेरे साथ है मुझे डर नहीं। गुलशन जल से भरा कलश और दूध लेकर निकल पड़ता है। 2 मील चलने के बाद उसे वो पहाड़ी गुफा दिखाई देता है, जहाँ द्वार पर बैठा एक शेर उसे देखकर दहाड़ने लगता है। मेरा गांव मुश्किल में है, मैं डरकर डक पीछे नहीं कर सकता, और ये तो माँ दुर्गा की सवारी है। खौफ से गुलशन का कलेजा मुंह में आ रहा था, मगर वो माँ दुर्गा का नाम लेकर जैसे ही द्वार पर आता है शेर गायब हो जाता है। अचानक बिच्छुओं की फौज को देखकर वो बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है, ये तो जहरीली बिच्छू है। हे माँ दुर्गा,
अपने बेटे की सारथी बनो। ये कहकर गुलशन जैसे ही बिच्छू पर पांव रखता है वो फूलों में बदल जाते हैं और गुलशन उस झरने के पास आकर माँ दुर्गा का नाम लेकर दूध जल चढ़ाता है। तभी जादुई दूध का झरना फूट पड़ता है और एक देवी प्रकट होकर कहती है, गुलशन तुमने इस झरने को जादुई मिल्क झरने में बदलकर मेरी उम्र को 1000 वर्ष किया है, इसीलिए ये जादुई मिल्क झरना तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। इसी के साथ देवी झरने में समा जाती है और गुलशन जादुई मिल्क झरने में दूध भरकर गांव लौट आता है। देखो केदार काका, मैं आ गया। अब जैसे ही जादुई झरने के दूध की धारा इस रोग पर पड़ेगी, आप रोग मुक्त हो जाओगे। गुलशन अंजूरी में जादुई मिल्क की थोड़ी मात्रा भरकर जैसे ही केदार के हाथ पांव पर मलता है, उसका शरीर एक तजोमय सफेद रोशनी में समा जाती है और फौरन उसका कोढ़ खत्म होने के साथ उसका शरीर नवजात बच्चों की तरह कोमल हो जाता है। मेरा शरीर कोढ़ मुक्त हो गया, मैं बच गया। गुलशन, ये तूने कैसे किया? ये कलश में ऐसा क्या है? इस कलश में जादुई झरने का मिल्क है काका, जो हर रोग बला को खत्म करता है। गुलशन, क्या मैं भी इस जादुई मिल्क से इस मटमैले चकते के घाव से निजात पा सकती हूँ? हाँ माला मौसी, ये जादुई मिल्क आपको भी चंगा कर देगा। ये बोलकर गुलशन झरने का जादुई मिल्क माला के अंजूरी में भर देता है, जिसे मलते ही माला के चेहरे से चकते गायब हो जाते हैं और उसका चेहरा अप्सरा के समान चमक उठता है। अरे माला, तेरा मुख तो मेनका के जैसे सुंदर हो गया। क्या सचमुच? ये झरने का जादुई मिल्क तो अमृत मंथन के जैसा है। झरने से मिले जादुई मिल्क के चमत्कार देखकर पूरा दुर्गापुर गांव चकित था। अंधे की आंखें लौट रही थी, लकवे के रोगी पैरों पर खड़े थे, जिसे देखकर माला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शुक्रिया गुलशन, आज तूने दुर्गापुर गांव को मिट्टी में मिलने से बचा लिया, वरना हम तो खाक ही हो चले थे। माला मौसी, मैंने नहीं, जादुई मिल्क के झरने ने आप सभी को मौत का फाटक पार करने से बचाया है, इसीलिए अब फिर कभी किसी मशलूब को मत सताना। गुलशन की सच्ची सीख पूरे गांव गढ़ के मन को नया मोड़ दे जाती है, जिससे दुर्गापुर वासियों के देखने का नजरिया बदल जाता है। अगली भोर गुलशन जल और दूध के साथ झरने के पास आकर जल दूध चढ़ाता है, तभी वो जादुई मिल्क झरने में बदल जाता है और देवी दोबारा प्रकट होती हैं। आओ गुलशन, तुम्हारा स्वागत है। देवी, क्या एक बार और मुझे इस जादुई झरने का मिल्क भरने का मौका मिलेगा, ताकि मैं मेरे गांव के आने वाले रोगी को चंगा भला कर सकूं? हाँ गुलशन, तुम जब चाहो इस जादुई मिल्क झरने का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहकर देवी झरने में समा जाती हैं और गुलशन जादुई मिल्क झरने से भरकर निकल जाता है, जहाँ कुछ दूरी पर एक लंगड़ा भूखा भिखारी अपनी तख्त गाड़ी को घसीटता हुआ उसके पास आता है। मुझे लंगड़े भिखारी की मदद करो, कई दिन का भूखा हूँ, कुछ खिला दो। मेरे पास इस दूध के सिवा तुम्हें देने को कुछ नहीं है, ये लो उसे पी लो। जैसे ही भिखारी वो जादुई मिल्क पीता है, एक रोशनी उसे घेर लेती है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ? इस जादुई मिल्क से मेरे दोस्त पियो, अब तुम्हें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे लंगड़े लाचार भिखारी की बहुत बड़ी मदद की है, आज मुझे मेरे जीवन का अर्थ मिल गया। अब मुझे अपने पेट की आग बुझाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे भले लोग हम जैसे असहाय भिखारी के लिए तो कोनो भगवान से कम नहीं है भाई। अरे भाई, ऐसा ना कहो, अगर मेरे हाथों किसी का जीवन बदलता है तो मुझे और क्या चाहिए। भिखारी के बहते आंसू उसके चेहरे को भिगा रहे थे। गुलशन आज भी बिना थके और भ्रमित हुए जादुई मिल्क झरने से लाचार लोगों की मदद करते नजर आता है। रात का समय होता है, गांव में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। ऐसी रात में अचानक से एक चुड़ैल प्रकट होती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे बच्चों को परेशान करेगा मैं उन सभी को मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल आगे बढ़ना शुरू करती है। देखते ही देखते चुड़ैल गांव के मुखिया के घर पहुंच जाती है और उसके कमरे में पहुँच कर अपने दोनों भूतिया हाथों से उसका गला दबाने लगती है। मुखिया के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को परेशान करने की? अगर तूने दोबारा मेरे बच्चों को परेशान करने का सोचा भी तो मैं तुझे सीधा नर्क के द्वार में पहुंचा दूंगी।
अरे अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, अरे जाने दो मुझे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तेरे बच्चों की तरफ देखूंगा भी नहीं, और तो और जिस मकान में तेरे बच्चे रह रहे हैं मैं वो मकान भी तेरे बच्चों के नाम ही कर दूंगा। अरे वाह ये भी सही है, इससे अच्छा सौदा मुझे और क्या मिलेगा। जल्दी जा अभी के अभी अपनी तिजोरी से उस मकान के पेपर निकाल। अरे पेपर तो तब निकालूंगा जब तू मेरे गले से अपने ये दोनों भूतिया हाथ हटाएगी। चुड़ैल मुखिया की गर्दन से हाथ हटाती है, जिसके बाद मुखिया अपनी तिजोरी खोलता है और उनमें से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर निकाल लेता है, जिसके बाद वह उनके ऊपर हस्ताक्षर करके चुड़ैल को दे देता है। ये ले चुड़ैल, जो तुझे चाहिए था मैंने तुझे दे दिया, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं? तूने पता नहीं और कितने लोगों को सताया है, आज मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा देकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों से मुखिया का गला घोट देती है, जिसके बाद मुखिया मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव वालों को मुखिया के घर में मुखिया की डेड बॉडी नजर आती है, जिसके चलते उनके घर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पिताजी पिताजी ये आपको क्या हो गया है? पिताजी हे भगवान, आखिर रात ही रात में पिताजी को ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई? अरे अंकल की गर्दन पर देखो, किसी के हाथों के निशान है, यानी कि इनकी हत्या कोई मामूली हत्या नहीं बल्कि किसी ने इनका गला घोट कर मारा है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पोस्टमार्टम के लिए मुखिया की बॉडी को ले जाती है। देखते ही देखते गांव के सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के बच्चे भूखे प्यासे अपनी माँ को याद करने लगते हैं। माँ आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, माँ वापस आ जाओ। तभी राधिका का छोटा भाई रोने लगता है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने इस छोटे से भाई को दूध भी पिला सके। राजू और राधिका भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते वो दोनों रोने लगते हैं। तभी उनके सामने उनकी चुड़ैल माँ आती है और उनके लिए खाना और गर्म कपड़े लेकर आती है। चुड़ैल अरे चुड़ैल तू हमारे पास क्यों आई है, चली जा यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दे। ये चुड़ैल हमारी माँ की तरह क्यों दिख रही है, जरा ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल हमारी माँ जैसी है। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। लेकिन आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी और आपका ये हाल कैसे हुआ? ये सब छोड़ो मेरी प्यारी बेटी, ये लो मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और खाने के लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना देखते ही राजू राधिका खाना खाने लगते हैं और अपने साथ साथ अपने छोटे भाई को भी खिलाने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहना देती है और कहती है, आज के बाद मुखिया तुम्हें इस घर से कभी नहीं निकालेगा, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें ला कर दूंगी, तुम्हें आज के बाद कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चुड़ैल ऐसा कहकर अपने तीनों बच्चों को सीने से लगा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने बच्चों की देख रेख करना शुरू कर देती है। एक दिन राजू राधिका गांव के कुछ बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते हैं। तभी गांव के कुछ बच्चे उनसे कहते हैं, अरे अरे हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम हमारे पास आए तो हम तुम्हें मारेंगे। हाँ हाँ देखो अगर तुम हमारे पास आए तो हम तुम्हें इस पत्थर से मारेंगे, और वैसे भी तुम जैसे फटीचर बच्चे हमारे साथ नहीं खेल सकते। जरा इन दोनों के कपड़े तो देखो किस कदर फटे हुए हैं, लगता है इनके माता पिता इन्हें कपड़े भी नहीं दिलाते। उन सभी की बातें सुनकर बेचारी राधिका और राजू दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं और उन दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसके बाद राधिका अपने भाई राजू को वापस घर ले आती है। ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है और आधी रात के समय चुड़ैल फिर से गाँव में प्रकट होती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जिन्होंने भी हमारे बच्चों को परेशान किया है मैं उन सभी से बदला लूंगी। ऐसा कहते ही चुड़ैल रेखा संजीत और रोहित के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उन तीनों को सबक सिखाने के लिए उन्हें अपनी आवाज के जरिए डराना शुरू कर देती है। तुम सभी बहुत गंदे बच्चे हो, तुम सभी को अब मैं सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल किसी को गेंद की तरह हवा में उछालने लगती है तो किसी को गुड़िया की तरह नचाती है। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें जोरदार करंट भी देती है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हम आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ चुड़ैल हमें छोड़ दो, हमसे गलती हुई है, हम तुम्हारे आगे माफी मांगते हैं, जो तुम करने के लिए कहोगे हम तुम्हारी सारी बातों को मानेंगे, लेकिन हमारी जान बख्श दो, हमें जाने दो यहाँ से।
अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे बच्चों से माफी मांगो। चुड़ैल रोहित, संजीत और रेखा को अपने तीनों बच्चों के पास ले जाती है, जिसके बाद वह चुड़ैल के बच्चों से माफी मांगते हैं। लेकिन तभी वहां पर रुद्र एक अघोरी बाबा को लेकर पहुंच जाता है। आखिरकार तो मेरे हाथ लगी गई, बता चुड़ैल क्यों तू इन गांव वालों को परेशान कर रही है? तुझे क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। तू ऐसे नहीं मानेगी, चुड़ैल रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अघोरी अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को एक जोरदार करंट का झटका मारता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और बताती है। रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं अपने बच्चों के साथ इस झोपड़ी में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी और लोगों के घर में काम करके मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। इस सर्दी के चलते मेरा काम छूट गया था और मेरे पास मेरे बच्चों का पेट पालने के लिए कोई सहारा नहीं था। यहाँ तक कि हमारे पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। उस रात मेरी टूटी फूटी झोपड़ी से चारों तरफ हवाएं निकल निकल कर अंदर आ रही थी। मैंने अपने तीनों बच्चों को सीने से लगा रखा था। अचानक से मेरे मुन्ना की तबीयत खराब होने लगी। मैं लोगों से मदद मांगने के लिए बाहर आई। किसी तरह मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, लेकिन वह गाड़ी नहीं रुकी बल्कि मेरे आर पार चली गई। उस समय मुझे ये पता चला कि शायद मैं मर चुकी हूँ। जब मैं वापस अपनी झोपड़ी में लौटी, ठंड की वजह से मैं अपने बच्चों के पास लेटी हुई मर चुकी थी। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उनके साथ हूँ। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये जगह तेरे रहने के लिए नहीं है। यहाँ केवल इंसान ही रह सकते हैं, इसलिए मेरी बात मान और यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अपने बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अघोरी बाबा को ना चाहते हुए भी चुड़ैल को काबू में करने के लिए उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे अघोरी बाबा की कांच की बोतल में कैद हो जाती है। अघोरी बाबा चुड़ैल को अपने साथ ही ले जाते हैं। उस दिन के बाद से चुड़ैल के बच्चों का ख्याल गाँव के लोग रखना शुरू कर देते हैं और चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।